हेलो फ्रेंड्स, आप कभी हम्बल प्लांट्स लगा के देखिए, ब्यूटीफुली सजाइए उसको, और ये टफ प्लांट आपको बहुत सारी ब्यूटी दिखाएंगे अपनी। तो ये एक डोंकी ईयर प्लांट है जिसकी लीव्स थोड़ी वेरीगेटेड होती हैं और ऐसे ड्रूप करती हैं, और खूबसूरती इसकी जब आती है जब छोटे छोटे प्लांटलेट्स ऐसे लीव के टिप से ग्रो होने शुरू होते हैं, और इतने खूबसूरत लगता है उस टाइम ये प्लांट, बहुत प्रिटी लगता है। और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, प्लांट्स अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं, और जहाँ गिरते हैं वहाँ ये प्लांट प्रोपोगेट हो जाता है। इतना इजी है इसका प्रोपोगेशन। ये जैसे छोटे प्लांटलेट निकले, इनको मैं निकाल के खाली इसमें रख दूंगी और इनमें बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। जैसे एक ये लगाया मैंने, इसको भी तोड़ देती हूँ। इसमें भी सिंपल दिखाती हूँ आपको, रूट्स उगी हुई हैं इसमें, ये रूट्स आई हुई हैं, और ये जब कंटेनर भर जाएगा तब यकीन जानिए बहुत सुंदर लगेगा। इसमें बहुत सारे प्लांटलेट्स आपको मिल जाएंगे। जो वाइट पाउडर बोल रही थी वो देखिए मेरी उंगलियों में लग रहा है। इसको यहाँ लगा दूंगी। सॉइल में मैंने वेलड्रिनिंग सॉइल ली है, और इसमें एक पार्ट सैंड, एक पार्ट गार्डन सॉइल, और एक पार्ट इसमें मैंने लीफ मोल्ड लिया है। अगर ना भी हो लीफ मोल्ड, खाली सैंड और गार्डन सॉइल से भी चल जाएगा काम। वेल ड्रेनिंग होना चाहिए, ड्रेनेज अच्छा हो, पानी डाले और निकल जाए। अगर लीफ मोल्ड नहीं है, काउडंग मैन्योर डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तब आप फॉर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, आप मिट्टी में ही लगा दीजिए, जिसको गार्डन सॉइल हम लोग कहते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे प्लांट इसमें ऐसे लगा दिए हैं। ये देखिए एक ये वाला भी प्लांट है, ये चारों तरफ से दिखा देती हूँ और मैं भी देख लेती हूँ कुछ इसमें प्लांट्स और हैं क्या। एक ये प्लांट और मिला है रूट के साथ, इसको भी यहाँ लगा दूंगी। बस अब ये पूरा कंटेनर इन्हीं प्लांट से भर जाएगा। अगर सॉइल वेट है तो पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर एकदम ड्राई है सॉइल तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और वाटरिंग बहुत ज़्यादा ना करें, नेक्स्ट वाटरिंग तभी करें जब ये टॉप लेयर ड्राई हो जाए। अब इसको थोड़ा दिन शेड में रख के फिर फुल सनलाइट में मैं इसको रख दूंगी। और आज इस वीडियो में इसकी सिंपल केयर दिखाऊंगी। ये प्लांट ऐसा है कि आप इसकी केयर ना करें तब ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। इसको निगलेक्ट करेंगे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लोकेशन ना बदलें, फर्टिलाइजर ज़्यादा ना डालें, पानी ज़्यादा ना डालें, केयर ज़्यादा ना करें, ये और ब्यूटीफुल होता चला जाएगा। तो नेचुरल हैबिटेट में तो ये ऐसे ही ग्रो करता रहता है, और अपने आप प्रोपोगेट करके अपने आप इसकी ग्रोथ होती रहती है, छोटे छोटे सैपलिंग्स की जैसे इस कंटेनर में हो रही है। तो लोकेशन इसकी कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी, टेरेस में या बालकनी में, सनलाइट में चल जाता है, शेड में भी चल जाता है, हर जगह ये चलता है। तो आपके टेरेस के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम कम है केयर करने का, फर्टिलाइजर नहीं ला पाते, पानी नहीं डाल पाते, तो ये वो प्लांट है। कई बार इसमें पानी एक आध महीने नहीं भी डाला तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्लांट लगेगा खराब हो गया है, मगर दोबारा थोड़ी सी केयर करेंगे अपने आप ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसमें इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम थी बहुत रेयर, इस बार मेरे को इसमें देखने को मिली है फर्स्ट टाइम। क्या होता है, ये लीफ, जैसे ये वाली लीफ है, ये काट के दिखाती हूँ, ये लीफ है, ये थोड़ी डार्क कलर की हो गई है। अगर इसको आप चेक करेंगे खोल के तो इसमें से कीड़े निकलेंगे। देखते हैं इसमें से कैसे कीड़े निकलते हैं। ये देखिए ऐसे कलर का इसमें अटैक है, इन्फेस्टेड ये लीफ है। तो ये बहुत ध्यान से रिमूव कर दें। लीफ एकदम हर प्लांट की जब तक एकदम फ्रेश ना लगे, देखने में एकदम हेल्दी ना लगे, तब तक आपको कोई अलर्ट साइन नहीं दिखाएगा प्लांट। और जैसे ही कुछ ब्लैक हो, कुछ विल्ट हो रही हो, थोड़ी खाई हुई हो, तब आप सोच सकते हैं
कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है इन्फेस्टेशन है जैसे इसमें निकली है। तो ये हर प्लांट का है, लीफ रिफ्लेक्ट करती है प्लांट की हेल्थ, इन्फेस्टेशन भी शो करती है। लीफ फॉल होगा कुछ प्लांट में, कुछ प्लांट्स में लीफ ब्लैक होने लगेंगी, डार्क होने लगेंगी, कुछ कटी हुई नज़र आएंगी। तो ये सारा रिफ्लेक्शन है इन्फेस्टेशन का ज़्यादातर, या फिर ओवर वाटरिंग का। तो देखिए एक हम्बल प्लांट कितना प्रिटी लग रहा है, इसको आप ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। मैंने एक सेरेमिक बॉल शेप कंटेनर में लगाया हुआ है और इसको स्टैंड पर रखा है, क्योंकि इसकी जो लीफ है ऐसे ही नीचे ड्रूप करेंगी और इनमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।